एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने मेरा जो लिविंग रूम है ना, देखो आपको खाली लग रहा होगा, नहीं तो ये टेबल है, इस पर भी प्लांट्स लगे रहते हैं, यहाँ वहाँ भी मेरे प्लांट्स रखे रहते हैं, लेकिन आज आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ एक पीछे वो वाला प्लांट दिखाई दे रहा होगा। वो भी जीजी प्लांट है, इसको ना शेडो में ही रखते हैं, इसको धूप में नहीं रखते, और ये अच्छा चलता है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हार्डी प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा केयर की भी जरूरत नहीं, पानी भी मैं 3 से 4 दिन में एक बार देती हूँ जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है। और बाकी सारे प्लांट्स मैं बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि जैसे ऐसा होता है 15 दिन मैं अपने रूम में रखती हूँ और उसके बाद 3-4 दिन के लिए फिर बाहर रख देती हूँ, 3-4 दिन हो जाते हैं फिर अंदर लेकर आ जाती हूँ, फिर 15 दिन बाद फिर बाहर रख देती हूँ। ऐसे करना ज़रूरी है, नहीं तो ना प्लांट्स क्या है, वैसे तो बोलते हैं इंडोर प्लांट्स हैं, लेकिन फिर भी रूम में उतने अच्छे नहीं चल पाते, वो ना उनकी पत्तियां पीली पीली होने लग जाती है, नहीं ध्यान दो तो वो पीली होके पूरा जो पौधा है ना वो सूख जाता है। तो 3-4 दिन बाहर उनकी आउटिंग सी हो जाती है, थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, अच्छी आबो हवा मिलती है उनको, तो वो भी खुश हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं उनको अंदर लेकर आ जाती हूँ। और कई बार जब मैं ऐसा करती हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं वहाँ जिस एरिया में प्लांट्स है नहीं वहाँ शूट ही नहीं करती हूँ, तो आपको पता भी नहीं चलता मैंने कब बाहर रखे, लेकिन आज मैंने दिखा दिया। मैंने कहा देखो ऐसे भी होता है, मेरा घर पूरा खाली खाली जहाँ पौधे नहीं होते हैं। और मैंने ये वाला जो कुर्ता पहना है, इस पर किसी ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि उन्होंने भी ये खरीदा था, और उनकी ये वाली जो साइड में पिंक कलर की ये जो लेस या पाइपिंग जो बोलो वो लगी हुई है ना, उससे कलर निकल के इस पर लग गया है। देखो मैंने भी ये वॉश किया है, सच बता रही हूँ, और वॉशिंग मशीन में वॉश किया है, और मेरे यहाँ तो कहीं भी कलर नहीं लगा। दूसरे कपड़ों के साथ वॉश किया था तो कहीं कलर जाता तो दूसरे कपड़ों पर भी लगता, वो भी नहीं लगा। और इसको 2 से 3 बार मैं पहन चुकी हूँ, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, हो सकता है कोई गड़बड़ हो गई हो आपके, आप जब वॉश कर रहे हो या कुछ है, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा है। और अभी ना 7:30 हो रहे हैं, और आज हमने ना कुछ स्पेशल बनाने की सोची है, सैंडविच बनाऊंगी कुछ अलग तरीके से, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तभीशी को इन सब चीज़ों का बहुत शौक है, तो वही बोलती रहती है, तो उसी के हिसाब से ही फिर कभी कभी होता है कि हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं। तो चलो मैंने कहा कि आज जैसा वो कह रही है वैसे उस हिसाब से करते हैं। एक बार वो पहले भी मेरी हेल्प की है उसने, और उसने मेरी मतलब ये बनवाया है मेरे साथ, तो मैंने कहा आज भी तू मेरी हेल्प करेगी, मुझे बताती रहेगी और फिर मैं बनाती रहूँगी। अभी उसको बुलाती हूँ और फिर हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि 7:30 हो गए, हम लोग 8:30 तक खा लेंगे फिर, और थोड़ी बहुत जो मुझे चॉपिंग वगैरह करनी है वो कर लेती हूँ, फिर बुलाऊंगी उसको। तो ये वाला फुटलॉन्ग मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये सैंडविच में यूज़ होगा, और मैं वेज सैंडविच बना रही हूँ अभी। हार्वेस्ट गोल्ड का सब्स फुटलॉन्ग है ये, और ये इसके ना अभी 2 नए फ्लेवर अभी आए हैं, एक तो रोस्टेड गार्लिक आया है, दूसरा है चीज़ ओरिगैनो। तो ये जो रोस्टेड गार्लिक है ये अभी हम ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि तविशी को ना इसका पनीर फुटलॉन्ग भी बहुत ज़्यादा पसंद है हार्वेस्ट गोल्ड का, तो वो भी कई बार अक्सर उसकी डिमांड पर मेरे घर में ये बनता रहता है। मैंने तो ये लोकल स्टोर से ही ले लिया था, अगर लोकल स्टोर पे नहीं मिले तो आपको ये इजीली ग्रोफर्स पर तो मिल ही जाएगा, मैंने ऑनलाइन चेक किया था। चलिए अभी मैं इसकी आपको रेसिपी बताती हूँ कि मैं इसे कैसे बना रही हूँ। यहाँ पर मैं पहले इस फुट लॉन्ग को सेंटर में से कट कर रही हूँ, इतना लॉन्ग तो क्योंकि ये यूज़ नहीं हो सकता है एक साथ, इसको फिर दूसरी साइड भी सेंटर से कट करना होगा। बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाला सैंडविच है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जब बच्चे खाने से जी चुराएं तो उनको इनमें छुपा के बहुत सारी वेजिटेबल्स दी जा सकती हैं, तो अच्छा ऑप्शन है वीकेंड में कभी अपने बच्चों को, मतलब वीक में एक बार तो आप दे ही सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने कट कर दिया था फुटलॉन्ग को, और ये चीज़ स्लाइसेस हैं, इसको मैं ट्राइंगल शेप में कट कर लूँगी। इनको अभी मुझे फुट लॉन्ग में ही डालना है, तो 2 चीज़ स्लाइसेस हैं इनको मैंने लिया है। और यहाँ पर ये वेजिटेबल्स हैं, मैंने टमाटो अनियन और क्यूकम्बर लिया है, इसके अलावा आप चाहें तो ऑलिव्स और लेटस कैबेज वगैरह जो आपका मन करे वो वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और यहाँ पे ना मैं टिक्की भी डालने वाली हूँ इसके अंदर, तो ये टिक्की है मैंने जो इस तरीके से मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और मैंने तो बहुत ही कम ऑयल लिया है, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको। तो जैसे कम ऑयल में मैं बना रही हूँ, तो जैसे ही ये अच्छे से सिक जाती है ना नीचे से, तो अपने आप ही ये बॉटम को पैन के अपने आप छोड़ देती है। और यहाँ पे ये जो बन है इसके अंदर मैंने फुट लॉन्ग है इसके अंदर ये स्लाइसिस डाल दिए, टिक्की भी तैयार हो गई थी वो भी मैंने इसमें डाल दिए। अभी मुझे इसे गर्म करना है,
आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें कर सकते हैं। मैंने तो पैन में ही कर दिया है, हल्का सा पैन को ग्रीस किया था ऑयल से और इसको बहुत ही सिम गैस पर इसके अंदर मैंने फुट लॉन्ग रख दिया था और 2 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया। तो चीज़ भी मेल्ट हो गया था, थोड़ा सा ये गर्म भी हो गया था। और अब मैं इसमें वेजिटेबल्स जो मेरे पास है वो डाल दूंगी, जैसे मैंने टमाटोज डाले हैं, अनियन डाला है और क्यूकम्बर डाला है। ज़रूरी नहीं है कि जो जो वेजिटेबल्स मेरे पास है वही आप डालें, आपके पास जो भी वेजिटेबल्स होंगी आप वो डाल सकते हैं और जो आपको पसंद हो। कैबेज मैं नहीं डालती हूँ, मुझे कैबेज से थोड़ा डर लगता है इसलिए। और यहाँ पे मैंने ये मेयोनीज है ये मैंने इस पर लगाई है। और फिर इसके बाद मस्टर्ड सॉस जो होती है वो मैंने इस पर लगाई है। और इसके बाद में टमाटो केचप है मेरे पास, वो मैंने इसमें डाला है। आपका जैसा टेस्ट बड़ है, आपके बच्चे जैसी चीज़ें पसंद करते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। फिर मैंने इस पे डाला है काली मिर्च वाला पाउडर और चिली फ्लेक्स मैंने इस पर डाले हैं। और यहाँ पर फिर मैंने इसमें ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा। और हल्का सा मैंने इस पर सॉल्ट भी डाला है। बस ये सैंडविच बनके तैयार हो गया। अब इसको मैं बंद कर दूंगी, अभी इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही खाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है, खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तवीशी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बाद में भी पसंद आया था, मतलब इसको तो किसी भी तरीके से खिला लो, ये तो इस तरीके के फुट लॉन्ग सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद करती है। आप देख भी सकते हैं इसके एक्सप्रेशंस, कितना खुश होकर ये आपको बताएगी कि कितने अच्छा बना है, कितनी खुश है। ये बच्चों का फेवरेट सैंडविच है, ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी के सैंडविच भी फिर मैंने ऐसे ही बना लिए थे, तवेशी के साथ साथ हमारी भी पार्टी हो गई थी, हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया। तो अच्छा लगता है कभी कभी कुछ रूटीन से हटके, दाल रोटी सब्जी से हटके कुछ अलग खा लो, टेस्ट बदल जाता है, दिल भी खुश हो जाता है। देखो कितना सुंदर मौसम देखो रमेश, आसमान में कितने तारे चमक रहे हैं रमेश। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए फिर भी तो आधा। पता है हमारा ना माइक्रोवेव आज ख़राब हो गया। आज विवेक मॉर्निंग में ना कुछ गर्म करने के लिए माइक्रोवेव, जैसे विवेक ने ऑन किया उसके थोड़ी देर बाद ना, मतलब जैसे प्लग लगाया ये एकदम से स्विच ऑन करते ही थोड़ी देर में लाइट चली गई सारे घर की, कहीं की भी ऐसा नहीं था कि लाइट रही हो। उसके बाद देखा था तो मीटर जो था वो हमारा ट्रिप हो गया था। फिर इलेक्ट्रीशियन को बुलाया तो उससे हमने बोला कि पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, फिर उसने कहा कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया, वो ट्रिप था तो जैसे ऑन करते हैं वो उसने कर दिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने चेक किया दोबारा से कि कहीं माइक्रोवेव में ही तो प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए लाइट गई हो। दोबारा से फिर हमने ऐसे ही ये प्लग लगाया, स्विच ऑन किया दूसरी जगह, इस जगह नहीं, हमने सोचा पहले क्या पता प्लग में दिक्कत हो, दूसरी जगह माइक्रोवेव को लगा कर देखा, वहाँ पर यही दिक्कत हुई, एकदम से ट्रिप हो गया। तो ना ऐसे नुकसान ना ये 2 बार खराब हो चुका है। अभी 3-4 महीने पहले भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी प्लेट्स वगैरह उन लोगों ने चेंज की थी और अब इसके बाद अभी ये वाली दिक्कत आ रही है। और ये ना बहुत बड़ा सा एकदम से ना नुकसान हो गया ना, बहुत दुख होता है। हम लोग यहाँ वहाँ से पैसे जोड़ते हैं और कोई ना कोई चीज़ ना साल में ऐसा होता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो कि ख़राब हो ही जाते हैं। और अब वैसे मैं ध्यान रखती हूँ मैं जब भी, क्योंकि ना जब भी आप जिन लोगों से माइक्रोवेव लेते हैं या फिर ये जिनसे कभी आप माइक्रोवेव वगैरह अगर ख़राब हो जाए अगर आप उनसे ठीक कराओ तो वो लोग हमेशा एक बात बोलते हैं, आप भी ध्यान रखना कि जब भी आप माइक्रोवेव का काम नहीं होता है तो आप ना कभी भी प्लग जो है लगा के ना रखो, उसको निकाल के ही रखो। कई बार होता है कि बिजली जो होती है इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लैक्चुएट होती रहती है तो उससे क्या होता है कभी करंट वगैरह ज़्यादा हो जाता है और अपने आप ही पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। और ये जिस दिन, वैसे मैं हमेशा निकाल के रखती हूँ लेकिन एक दिन तवीशी ने इसमें कुछ काम किया था, केक वगैरह गर्म कर रही थी या कुछ बना रही थी, तो उसने उसी दिन इसमें ना ऐसे ही प्लग छोड़ दिया था और फिर मैंने फिर शाम को देखा था तो मैंने निकाल दिया था। उसके नेक्स्ट डे फिर मैंने जब कुछ उसके अंदर किया तो फिर
देखा था ये खराब हो चुका है। तो उन लोगों ने भी, जो लोग ठीक करने आए थे ना, उन लोगों ने भी फिर यही बोला था कि हमेशा प्लग को निकाल के तभी रखा करो, ऐसे उसमें नहीं छोड़ा करो। और अभी मैं आपसे बात करूँ, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यार, मैंने अभी चीटियाँ भगाई हैं ना आपको, देखो एक चीज़ और दिखाती हूँ क्या आया है मेरी किचन में। देखो ये, देखो पता नहीं कहाँ से आ गया ये, अब इसको निकालना पड़ेगा। मैं सारे दरवाजे बंद रखती हूँ, ये बीच में से कहीं से निकल के आया है, पता नहीं कहाँ कहाँ खाने में जाके ये बैठेगा। अभी मैं विवेक को बोलती हूँ, वो इसको बाहर निकालने वाले होंगे। छी, मुझे बहुत घिन आती है, छी। मैं बस लिजर्ड तो मुझे घर में बर्दाश्त ही नहीं होती, स्पेशली किचन में तो बहुत ही गंदी लगती है। अब सोने जाना है, चेंज कर लिया मैंने। और सोने से पहले ना मैं अपने फेस पर, लोग नाइट क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ भी लगाते हैं, मैं लगाती हूँ कोकोनट ऑयल। कोई भी वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिए, अपनी स्किन पर लगा लीजिए, अपने फेस पर, क्योंकि एसी में सोते हैं ना तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अगर ध्यान ना दो तो बिल्कुल जैसे छुआरा नहीं होता, एकदम मुरझाया हुआ सा, ऐसी स्किन हो जाती है। इसलिए मैं तो कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ, मुझे वही सबसे बेस्ट लगता है, और स्किन भी मॉइस्चराइज रहती है, और पैसे भी ठीक रहता है, हेल्दी रहता है, मतलब स्किन हेल्दी हेल्दी फील करती है, ठीक लगता है मुझे। लगाती मैं थोड़ा सा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्किन मेरी ऑयली है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने मूवी देखी है यूट्यूब पर, बहुत अच्छी मूवी है, है तो वो पंजाबी मूवी, लेकिन ना उसकी जो पंजाबी है ना बहुत ही सिंपल सी है। तो उस फिल्म का नाम है रब दा रेडियो। तो अगर आपको भी देखनी है, बहुत अच्छी मूवी, आप ज़रूर देखिएगा। सभी को बोल रही हूँ, जो उन्होंने पंजाबी उस फिल्म में बोली है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इतनी अच्छी मूवी है, वो फैमिली मूवी है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके दो पार्ट हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट पार्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। बहुत रियल मूवी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कितना ऐसे ही तो होता है, गांव की लाइफ दिखाई है, बहुत कुछ ऐसे लग रहा था कि रियलिटी बेस्ड है। मेरे जो व्यूवर्स पंजाब से, हिमाचल वगैरह से बिलोंग करते होंगे, उन लोगों ने तो रब दा रेडियो देखी होगी, लेकिन और भी लोग जो हैं तो उन्होंने नहीं देखी होगी, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, जाकर चेक ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। और जिस जिसने देखी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने वो मूवी देख रखी है। अब वीडियो बना यहीं पर ही एंड करूँगी अपना, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूँगी आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।